अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में हमने विंडोज़ सर्वर 2016, विंडोज़ सर्वर 2019 एंड विंडोज़ 10 एंड पैरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इन तमाम वर्चुअल मशीन्स के ऊपर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए थे। तो इस वीडियो में हम यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। वीएमवेयर को ओपन करें, देन यूबंटू मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और इसको ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, देन वायर्ड कनेक्टेड इसको मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ, लेकिन आपने सेटिंग्स पे जाना है। फर्स्ट टाइम सेटिंग्स के ऊपर जाके जस्ट लिटल बिट वेट, वी आर वेटिंग फॉर ओपनिंग सेटिंग्स। अगेन क्लिक करते हैं सेटिंग्स, देन सेटिंग्स आर ओपन ओपनिंग। यस, सो सेटिंग्स ओपन हो गई। देन हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे कनेक्टेड शो हो रहा है, यहाँ पे आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर किया था, तो IPv4 के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक DHCP आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे मैनुअल करना है। मैनुअल करके यहाँ पे हमने 10.10.10.9 कॉन्फ़िगर करना है, और यहाँ पे हमने सबनेट मास्क देना है, और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस देना है, और यहाँ पे 8.8.8.8 DNS और कॉमा, यानी कि दो हमने DNS या पे एड्रेस देने हैं, 8.8.4.4, ये दो हमने एड्रेस देने हैं। कॉमा के बाद ये हम दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर किया और अप्लाई किया और यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी सेटिंग की हुई है, तो दोबारा से करके देख लेते हैं। ये देखो अप्लाई, जस्ट इसको क्लोज़ करना है, देन आपने टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पे अगेन आपने IF कन्फिग यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि ये भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे भी एक कमांड जो है कॉन्फ़िगरेशन के लिए IF कन्फिग प्रेस करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं IF कन्फिग टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें, हमने सक्सेसफुली कन्फिग्रेशन कर लिया है, तो यहाँ पे एड्रेस सही शो हो रहा है। तो इसको क्लोज़ करते हैं। अब जाते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है, इंस्टॉल करके मैंने लॉगिन कर रखा था। तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो सेटिंग्स पे ऊपर स्वाइप करना है, एंड देन सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम इस वजह से आईपी कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अपना एक एंड्रॉयड है, तो हम इसके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वुलनरेबिलिटी एनालिसिस और कुछ अटैक्स परफॉर्म करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वजह से हम ये अपने नेटवर्क में कनेक्ट करके एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की है, तो इसके ऊपर हम अपना अपने नेटवर्क में इसको कनेक्ट करने के लिए इसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं। इसी तरह तमाम आईपी एड्रेस तमाम वर्चुअल मशीन के ऊपर हमने आईपी एड्रेस कन्फिगर किए हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पर, देन वाईफाई के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम इस वक्त वाईफाई यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल मशीन्स के थ्रू। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना, सेटिंग्स, देन ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा नेटवर्क डिटेल। तो यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे तमाम सेटिंग आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी DHCP टाइप, सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी आईपी सेटिंग जो है वो DHCP होगी, लेकिन हमने यहाँ पे स्टैटिक करके
इसको जो है आईपी एड्रेस वो हमने दे देना है 10.10.10.14। तो यहाँ पे गेटवे सेम रहेगा और डिफ़ॉल्ट सॉरी सबनेट मास्क जो है वो 24 होगा, यानी कि 8 बिट जो है वो होस्ट की और 24 बिट जो है वो नेटवर्क की। तो ये क्लास सी का सबनेट मास्क होता है। इसको सेव कर देते हैं, सेव, और इसी तरह इसको क्लोज कर देना है। बैक बैक तो अब हमने इस वीडियो में यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आईपी डेस्क कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ तक मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ।